जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला से चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल ने खास बातचीत की। उन्होंने सोनीपत में हुई जेजेपी की रैली सफल होने पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया, साथ ही बिना नाम लिए बीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा के जो हलके हैं उनमें रैलियों का दौर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 लोकसभा क्षेत्रों में रैली की गई और जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। सोनीपत में पहली रैली हुई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी, उनसे जानते हैं। सर, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की रैली हुई, किस तरीके से इसे देखते हैं सर आप? जो हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा जन समर्थन मिलना इस बात का प्रमाण है, और लोगों में इतना उत्साह था कल की रैली को देख करके। ना केवल जो कुर्सियां थी वो भर गई, बल्कि पूरा का पूरा अगर आप अनाज मंडी का देखेंगे, शेड भर गया, आसपास का इलाका भर गया, और लोग आते रहे जाते रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि दुष्यंत जी के पक्ष में माहौल है और उन लोगों का मुंह बंद करने का काम हुआ है जो सवाल उठा गए। आगे के कार्यक्रम रहने वाले हैं सर, अब फरीदाबाद की रैली जल्द अनाउंस हो जाएगी। इनसो का 6 तारीख का कार्यक्रम है, 21वां स्थापना दिवस। राजस्थान की 25 सितंबर की चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर सम्मान रैली, और अभी तक ये कार्यक्रम है। बाकी लोकसभा क्षेत्र की अगले महीने की जो रैलियां होंगी वो अनाउंस हो जाएगी। राजस्थान में भी आप हाथ आजमाने जा रहे हैं, कितनी सीटों पर तैयारी वहां पर कर रहे हैं? लगभग 30 से 35 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी, और एक का कल कोटपुतली से शुरुआत हो गई, आगाज हुआ है, और सभी सीटों पे कार्यक्रम होंगे। गठबंधन को लेकर आप क्या गठबंधन करेगी जननायक जनता पार्टी, इस पर विचार कब होगा सर? ये विचार तो चुनाव के नजदीक जाकर के होगा। कभी भी कोई इस तरह के गठबंधन होते हैं तो चुनाव के समय ही होते हैं। एक सवाल मेरा था चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर, लगातार उच्चाना को लेकर उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, उच्चाना विधानसभा सीट को लेकर, फिर उनकी तरफ से हिसार में जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा क्षेत्र को लेकर रैली थी उसमें फिर उनकी तरफ से जननायक जनता पार्टी को लेकर कहा। मैं बिना नाम लिए यही कहूंगा कि वो व्यक्ति सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, जो करता है उसको नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत तो यही है ना, पेट में दर्द तो सबसे ज्यादा यही है कि जब इसने तो इतना सब कुछ कर दिया कि इसके पास गिनवाने को है, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सड़कों का जाल बिछवा दिया, पानी की समस्या को निदान कर दिया, खरखोदा में फैक्ट्री आ गई, पता नहीं क्या क्या डेवलपमेंट के काम है। ये तो उप मुख्यमंत्री है, और आप देश के स्टील मिनिस्टर रह लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रदेश ही ग्रामीण विकास का है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के बावजूद दिल्ली की कोठियों में बैठे रहे और फील्ड में आए नहीं, काम किया नहीं। अब वो क्या करेंगे बेचारे, दुष्यंत जी कोई गाली देंगे और क्या करेंगे? ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात की, किस तरीके से राजस्थान में आने वाले समय पार्टी तैयारी कर रही है इस पर उन्होंने कहा, और जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से लगातार जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है उसको लेकर भी बिना नाम लिए दिग्विजय चौटाला ने कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार।